बहन कैसे हैं आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो उसके सामने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो यही सोचता है कि आज हम छोड़ दें इसको, ये जो भी हम काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं ये हमारे लिए सही नहीं है, ये क्या मैंने कर लिया, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। तो हर दूसरे तीसरे दिन वो मोटिवेट होता है, फिर लेकिन 2-3 दिन के बाद उसके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो फिर डिमोटिवेट होता है। उसके सामने तमाम ऐसे टेंशन आते हैं ना जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं किया रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि आप जितना पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठे, तो आपको टेंशन से सिर्फ बचना ही है। अब टेंशन सही बात है बता के तो आती नहीं है, हो जाती है टेंशन आपको, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हमें टेंशन क्यों हो रही है, अगर टेंशन की वजह क्या है। अगर बार बार हम एक ही चीज़ को लेके घुमा फिरा के उसी चीज़ को याद कर रहे हैं और उन बातों को याद करके अपने खुद टेंशन लेने की कोशिश करें, तो उन चीज़ से आपको बचना पड़ेगा, उन चीज़ों से। जानते हैं क्या है, जो लोग आपको परेशान करते हैं उनका सीधा साधा एक ही मकसद होता है उनके जीवन में, कि वो बस किसी को एक टारगेट बना लेते हैं अपनी लाइफ में और वो बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो उसका हर एक चीज़ एक्टिविटी जो कहते हैं ना उस पर वो ध्यान रखते हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं, उनके टारगेट पर आप भी हो सकते हैं। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान आप पे होगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जॉब लग जाए, ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ जाएँ, उनको ये टेंशन होगा उनको। तो वो आए दिन इस पर काम करेंगे कि आपका ये जो चल रहा है अच्छे से पढ़ाई चल रही है इसको बाधित करें कि किसी ना किसी वजह से। फिर आपकी अगर लाइफ अच्छी चल रही है तो भी उनको परेशानी होगी, अगर आप मतलब खुश हैं हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तब भी उनको परेशानी होगी। तो ऐसे लोगों को देखिए क्या होता है ना कि हम जाने देते हैं, कुछ लोगों को होता है ना कि हम, मैं भी ऐसा कहती हूँ कि इग्नोर करिए, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चढ़ने लगता है तो इग्नोर करने से काम नहीं चलता है आपको। लेकिन उनका जवाब उनकी भाषा में नहीं देना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इस समय सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ देने से, अगर आप चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, ऐसे लोगों से थोड़ी देर के छुटकारा मिले आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बस अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, ऐसे लोगों को अपना मोटिवेशन बनाना है, यही सोचना है कि मुझे ऐसे लोगों का जवाब देना है। कैसे देना है? सफल होकर देना है। आप उनके सामने कभी भी गलती से भी मतलब अपने चेहरे को उदास ना करिए, यही सोचिए कि मुझे कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी बनानी है और ऐसे लोगों को जवाब देना है। बस ये अपने अंदर मोटिवेशन लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैंने भी ये अपनाया था। और मेरे जो आलोचक थे निंदक थे ना, वही कहते हैं ना कि मेरे मोटिवेशन थे, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का है। जब मेरे आत्मसम्मान की बात आती है, चाहे ऐसी कोई बात आती है कि मुझे गलत ठहराया जाता है, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ज़िद्द आती है कि अब मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए समय नहीं बर्बाद करूँगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बना के लोगों को ऐसा तमाचा मारूंगी कि वो लोग भी देखें कि हाँ भाई चलो मैंने जो किया। हालांकि ऐसे लोगों को रियलाइज कभी भी नहीं होता है, जान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप उनके लिए गर्दन काट के दे दीजिए तब भी वो कहेंगे ना, उसमें भी वो कमी निकालेंगे। आप उनके लिए जान दे दीजिए उसमें भी वो लोग कमी ही निकालेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको इतना दबाने की कोशिश करेंगे कि आपके मुंह से एक छोटी सी भी आवाज़ निकलेगी ना तो उस पर वो चढ़ बैठेंगे, ग्रुप बना के चढ़ बैठेंगे। वहीं पर अगले व्यक्ति को जिसको वो सपोर्ट करते हैं, उस वो कुछ भी करें तो उसकी बातों पर वो कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उसकी बातों को और बढ़ावा देंगे, उसकी गलती को गलती नहीं मानेंगे, अपनी गलती गलती नहीं मानेंगे। लेकिन आपके ऊपर अगर वो ग्रुप बना के टारगेट कर रहे हैं, आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके मुंह से एक आवाज़ निकलते हुए ग्रुप बना के आपके ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या करना है? ऐसे लोगों से क्या आप डर जाएंगे? क्या आपने आवाज़ दबा लेंगे? क्या आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल भी आगे बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों का सीधा सही जवाब है कि अपनी लाइफ में रोज़ एक नया रोज़ टारगेट सेट करिए कि मुझे आज मुझे इतना करना है। पढ़ाई करते हैं आपको जाहिर सी बात है टेंशन होती होगी। अब आपके दिमाग में उन लोगों का चेहरा लेके आइए और ये सोचिए कि मुझे आज 4 घंटे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे 2 घंटे ज़्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी का इंतजार कर रहे हैं कि इसी ज़िंदगी में कब वो बुरे दिन आएंगे, कब ये टूटेगा इंसान, तो मुझे वो दिन कभी लाने नहीं है। ऐसे लोगों का जवाब, और ये जानते हैं सबसे बेस्ट तरीका होता है आगे बढ़ने का, ऐसे लोगों को मोटिवेशन बनाइए। नेगेटिव कभी मत सोचिए, कभी दुखी मत होइए, बल्कि और जितना कोई आपको दबाने का प्रयास करिए दुगने उत्साह से आगे बढ़िए। क्या कहते हैं जानते हैं, जब समय खराब होता है ना किसी का तो लोग आपकी काबिलियत पे भी शक करने लगते हैं। काबिलियत तो छोड़िए आप पे ही, अच्छा जब समय खराब होता है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर पे हैं, अपने माँ बाप का खा रहे हैं, आप अपनी कमाई हो सकता है प्राइवेट जॉब करके अपनी मतलब सब कुछ अपना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा आपको देखेंगे, ऐसे नज़र से आपसे मतलब बात करेंगे कि आपको बाहर निकलने में भी थोड़ी सी ये दिक्कत महसूस होगी कि यार मैंने कोई गुनाह किया है, जो कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो बस पढ़ाई करिए, सबसे अच्छा जवाब होता है किसी को देने का कि बस पढ़ाई करके एक जॉब ले लीजिए। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे ना तो विश्वास मानिए कि आप कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मुझे लगता है कि 2nd नंबर पे आते हैं, 3rd नंबर पे आते हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 पे आता है कि आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो वो बस पढ़ाई से ही हो सकता है। पढ़ाई के लिए मोटिवेशन लाने के लिए
आप कभी कभी सोचिए ना ये चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेट नहीं हो पाती हूँ, मेरे अंदर वो आग नहीं हो पाती है, तो कभी ये सोचिए ना कि भाई आज के ज़माने में इतना खर्चा है। अभी देखिए क्या है, 2-3 दिन से मेरा वीडियो थोड़ा सा हो रहा था ना, डिले हो रहा है, कल भी नहीं गया था, मैंने शॉर्ट डाला था, ऐसे ही हो रहा है। शॉपिंग चल रही है होली की, मैं शाम को निकल जा रही हूँ तो मार्केट में कपड़े वगैरह लेने में टाइम लग जा रहा है। अब आज के डेट में मैं ये काम फ्री होकर करती, 3-4 घंटे 5 घंटे में मार्केट लिए निकल पा रही हूँ, लेकिन वहीं पर जब मैं पढ़ाई करती थी सब कुछ मैंने छोड़ा था, ना होली ना दिवाली ना दशहरा, कुछ भी मुझे मनानी ही नहीं थी, मुझे बस एक कोने में पड़े रहना था, कुछ किसी कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, हाँ बस है कि बहुत है शुभ करने के लिए रंग लगा लिया, अबीर लगा लिया, हो गया। तो इस तरह से भाई वो मैंने त्याग किया, तो आज के दिन मैं ये देख पा रही हूँ। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखिए। और आज सबसे बड़ी बात है, मैं सामान क्यों ले पा रही हूँ, बाजार क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास पैसे हैं, पहले ये भी सोचना पड़ता था। तो अपने अपने अंदर अगर वो मोटिवेशन लाना है तो ये सोचिए कि भाई मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, क्या अपने बच्चों को या अपनी खुशी में दे पाऊँगी, आगे और खर्चे बढ़ेंगे और भी चीज़ें महंगी ही होगी, बाज़ार और हर चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होने वाला है, तो क्या मैं ये अफोर्ड कर पाऊँगी, तो क्या होगा आगे, क्या होगा अभी तो ऐसे चल रहा है आगे क्या होगा। तो मोटिवेशन अपने अंदर आएगा कि हाँ मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा होना चाहिए कि मेरा बैंक जो है ना वो पैसों से भरा रहे, ऐसा ना रहे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना रहे कम से कम कि मुझे संतुष्टि रहे कि मुझे कुछ लेना है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। फिर ये भी सोचिए कि अभी आपको पढ़ाई करना कठिन लग रहा है, लेकिन ये सोचिए ना कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो अभी आपको दूसरों से आँखें मिलाने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ज़िंदगी में अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अपने लायक नहीं बनेंगे किसी भी, तो क्या जवाब देंगे लोगों को, लोग आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या, कब तक आप बहाने करते रहेंगे, कब तक अपने आप को बचाते रहेंगे, और कब अपने क्यों अपने आप गर्दन झुका के क्यों रहेंगे, आपको गर्दन झुकाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं सफल होंगे ना तो आपको सिर झुका के ही बात करना पड़ेगा, लोग जरूर सुनाएंगे ये, अरे तुम्हें तैयारी करते थे ना क्या हुआ, तो हमें ऐसी नौबत क्यों आने दें, क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके। अरे भाई मैं ये कहती हूँ कि परेशानी तो अभी भी लाइफ में चली रही है, लोग परेशान कर रहे हैं, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, तो हम अपने को थोड़ा सा परेशानी में डाल लेते हैं, तकलीफ़ में डाल के आज मेहनत कर लेते हैं, रातों की नींद को थोड़ी सी हराम कर लेते हैं, रातों को जा के पढ़ लेते हैं, दिन में भी मेहनत कर लेते हैं, काम भी करते हैं, तो क्या हर्ज है, अगर इससे मेरी ज़िंदगी बन जाती तो आप एक छोटी सी कोशिश आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकती है। इस चीज़ को समझिए और ढंग से पढ़ाई करिए, एक प्लान के तहत करिए, ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया वो आज पढ़ लिया, नहीं, एक प्लान के तहत करिए कि ये किया मैंने ये किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आने ही नहीं देना अपने दिमाग में, नहीं तो आपका सारा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।